Namaste, my dear students. Today we will be reading and understanding our first history topic about Chandragupta Maurya, the founding father of the Mauryas. The founding father means वो मौर्यन एम्पायर के फर्स्ट रूलर थे, फर्स्ट किंग थे और उन्होंने ही मौर्यास को खोजा था. अ लिटिल बॉय नेम्ड चंद्रगुप्त मौर्य वॉज बॉर्न इन पाटलिपुत्र पटना. सो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था पाटलिपुत्र में, जिसे आज हम सब पटना कहते हैं, विच इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार. हिज फादर्स नेम वॉज सर्वर्थ सिद्धि एंड हिज मदर्स नेम वॉज मूरा. दिस पुअर लिटिल बॉय वॉज लेफ्ट अलोन बाय हिज पेरेंट्स एट अ वेरी यंग एज. यंग एज मीन्स कम उम्र में बहुत ही जल्द उन्हें अपने माता पिता से अलग होना था. बट ही वॉज अ वेरी ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग चाइल्ड. Soon he met an intelligent Brahmin man. So, वो अब अपनी लाइफ में एक Brahmin man से मिले. His name was Chanakya. उनका नाम था चाणक्य. He was a teacher. चाणक्य एक आचार्य थे. During that time, various parts of India were ruled by different rulers. So, as we have discussed in the meet, कि उस ज़माने में इंडिया के ऊपर, इंडिया के अलग अलग पार्ट्स पे अलग अलग रूलर्स रूल करते थे. किंग धनानंदा, सो धना मीन्स वेल्दी, वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ ऑल. सो इस स्टोरी के जो सबसे पावरफुल कैरेक्टर हैं वो हैं किंग धनानंदा. द नेम ऑफ His great kingdom was Magad. So Dhanananda कहाँ के ruler थे? उनका जो kingdom था वो वहाँ rule करते थे and the name of his kingdom was Magad. It was located in the famous city of Pataliputra, Patna, which is in Bihar state. So Magad कहाँ था? Pataliputra में था. So Pataliputra today is known as Patna. The Greek king Alexander wanted to invade India and rule over it. Now, when there is a hero, there is also a villain. So this is a very ambitious person. Alexander, वो एक ग्रीक, वो ग्रीस के किंग थे. So उन्हें ग्रीक किंग कहा जाता था. So he was also known as Alexander the Great. And but he wanted to invade India. Invade means उन्हें इंडिया के अंदर ज़बरदस्ती घुसना था and उन्हें वो चाहते थे कि वो इंडिया पर रूल करें, कॉन्कर करें, कब्ज़ा करें. चाणक्य could not digest the thought of foreign emperors ruling over India. So चाणक्य को ये बात हज़म नहीं हुई कि एक foreign ruler, एक foreign emperor, एक foreign king जो अलेक्जेंडर हैं, जो ग्रीक किंग हैं, वो आके हमारे इंडिया पर रूल करें. बिकॉज ही वॉज अ पेट्रियॉट एंड लव्ड हिज नेशन. सो दिस ब्राह्मिन मैन, दिस टीचर, वो एक पेट्रियॉट थे. पेट्रियॉट इज अ पर्सन जिसे अपने कंट्री से प्यार होते हैं. हिज मिशन वॉज अखंड भारत, विच मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया एंड ओनली वन रूल. सो चाणक्य का मिशन था कि इंडिया पर सिर्फ एक ही रूलर का राज चले. देयर शुड बी ओनली वन रूलर, ओनली वन किंग फॉर होल इंडिया. सो उनका जो ड्रीम था वो था अखंड भारत, विच मीन्स कि इंडिया पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है एंड इंडिया इज़ जस्ट वन, वन कंट्री, वन नेशन, वन रूल. चाणक्य न्यू दैट ओनली धनानंदा हैड अ मैसिव आर्मी फोर्स एंड वेपन्स. चाणक्य को पता था कि सिर्फ धनानंदा, हु वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर, सिर्फ उनके पास ही मैसिव मीन्स सबसे बड़ी आर्मी फोर्स एंड वेपन्स हैं. विथ ग्रेट होप्स चाणक्य विजिटेड द मोस्ट पावरफुल किंग. सो जैसे ही चाणक्य को पता चला कि अलेक्जेंडर
has a thought to invade India. Alexander India में enter होने वाले हैं और उसे invade करने का plan है, उसे capture करने का plan है. So चाणक्य ने सोचा, let's go to Dhanananda, who is such a powerful king of India. So बहुत ही उम्मीदों के साथ, उम्मीद means hopes, बहुत ही उम्मीदें लेके, hopes लेके चाणक्य ने विजिट किया धनानंदा को. He advised the king to take action against Alexander's invasion. So चाणक्य ने अपनी एक piece of advice दी, अपनी सलाह दी कि धनानंदा, आपको Alexander जब invasion करेंगे तब उन्हें रोकना चाहिए. He expressed his concerns for India. उन्होंने ये एक्सप्रेस किया, ये दिखाया कि वो इंडिया के लिए चिंतित हैं, वो अपनी कंट्री को सेव करना चाहते हैं. बट इन रिटर्न फॉर हिज इनोसेंट थॉट्स, चाणक्य गॉट इंसल्टेड बाय किंग नंदा. बट इन रिटर्न ऑफ हिज इनोसेंट थॉट्स, सो उनके जो थॉट्स थे कि उन्हें इंडिया को बचाना था, वो बहुत ही प्योर थे, इनोसेंट थे, वो सेल्फिश नहीं थे. ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही वॉज थिंकिंग फॉर द होल इंडिया, वो पूरे इंडिया के बारे में सोच रहे थे. एंड इसके बदले, इसके रिटर्न में उन्हें क्या मिला? इंसल्ट. किंग धनानंदा ने चाणक्य को इंसल्ट किया एंड अपने दरबार से, अपने फोर्ट से बाहर कर दिया. सो माय डियर चिल्ड्रन, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी विल बी शेयर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.